तो इसी मंदिर के पास में जो हम लोग अभी घूम रहे हैं बोधिसत्व बोधि ट्री के बगल में, यहाँ पर देखिए हाथकरघा हमको मिल गया। और यहाँ पर हाथ से कैसे बनारसी साड़ी बनाते हैं उसको आप देख सकते हैं, तो बड़ा ही विचित्र है और नॉर्मली समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पहले देखते हैं, इनसे थोड़ा सा बात भी करते हैं और क्या इनकी समस्याएँ, कैसे बनाते हैं, कैसे कितना समय लगता है एक साड़ी बनने में। ये देखिए हाथ से बना रहे हैं बनारसी साड़ी। और अच्छा, एक ही किनारे ये बॉर्डर रहेगा, ये पूरा हैंडलूम है। यहाँ पर धागे टंगे हुए हैं, जो साड़ी भी नहीं, रेड वाला धागा कहाँ टंगा था वहां पर। कभी देखा है ऐसे साड़ी बनते हुए? अच्छा, लोग हमेशा बुनकरों की समस्याओं पर बात करते हैं, मतलब कि कभी भी कोई चुनाव होता है, जैसे जब 2014 में चुनाव था तब भी और आज भी जब कोई भी आता है बनारस में वो बुनकरों की बात करता है, तो कितना समस्याएं सुधरी हैं 2014 के बाद से बुनकरों की? कुछ होना फल है, कोई आला कोई ना फैल कि हम भी समस्या दूर करे पहले अपने से लोग करे तो बनावत था, साथी से मिले तो बनत था। अच्छा, बन के रखा जाला यहाँ से अपने, तो बस वही सिर्फ मजदूरी का ही पैसा मिलता है, कला का पैसा नहीं मिलता है। तो जो है कि बुनकरों की समस्याओं पर तो सारे राजनेता बात करते हैं, यहाँ तक कि मोदी जी भी बात किए, तो कोई फायदा नहीं हुआ इससे? नहीं, फायदा हुआ है। कितना फायदा हुआ, क्या हुआ? जैसे कि जैसे काम हम दिए बना दिए हैं, तब अपना बना रहे हैं। अच्छा, इसके पहले आप अपना नहीं बनाते थे? नहीं, पहले भी अपना बनाते तो बंद करा दिए थे ना, बंद हो गया था। अच्छा, फिर चालू हो गया है। अच्छा, यही बना रहे हैं, बीन रहे हैं हम लोग। तो इसको लेकर के जो थोक वाले होते हैं वो लेकर जाते हैं कि आप लोग पर्सनल घूम घूम के बेचते हैं? हम लोग तो महीना करते हैं, जमा करते हैं, मालिक जो अपना ले जाएगा थोक पर, जहाँ देता है बाहर विदेश जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पहुँचाते हैं। तो आप मजदूर यहाँ पे हैं, कितना मजदूरी मिलता है आपको? हम महीना रहते हैं। कितना? 8,000। 8,000 पर? तो ये एक साड़ी कितने में बन जाती होगी, कितना दिन लगता होगा? एक हफ्ता भी लगा, 4 दिन भी लगा, 15 दिन भी लगा, 20 दिन भी लग जाला, जैसा खराब है जैसा जैसा साड़ी का वो हो। ये कैसी बनेगी दिखाएंगे हमको थोड़ा? ये पूरा प्लेन बन रही है, प्लेन बना रहे हैं, आंचल बॉर्डर। तो आंचल कब बनाएंगे? बन चुका नीचे ब्लाउज। अच्छा, इसी में लपेटते जाते हैं? हाँ, ब्लाउज बना दिए, आंचल बना दिए, इसी में लपेटते जाएंगे। फिर इसी में लपेटते जाएंगे, आधी ऊपर हो गई है, तो उतना सिर्फ बाकी है। अब ऊपर 10 साड़ी का रहता था नहीं? अच्छा, ये 10 साड़ी का तार रहता है? हाँ, लगा जाता है दशहरिया का, और फिर पूजा पूजा करके निकालते हैं। अच्छा, तो ये सीखे कहाँ से हैं आप? हम बनारस अपने के सीखे हैं, करगा। अच्छा, अपना अपना खानदानी है ये? हाँ, जो बचपना किसी में है। तो इससे रोजी रोटी चल जाती है 8,000 में, जैसे कि फैमिली होगी? चलाते हैं, आते जाते हैं लोग, देते हैं, इसी में चलता है। तो बहुत ही बड़ा काम है और बहुत ही मुश्किल काम है। ये देखिए, इसको बनाने में इसका दाम कितना होगा? ये 3500 का है। और जब यही बगलिया में बन रही है तो 3500 कैसा? 7 दिन लगता है इसको बनाने में। कच्चा माल कितना का मिलता है, कहाँ से लाते हैं आप लोग कच्चा माल? कच्चा माल सब लोग बनता है यहीं पे है। ये धागा कहाँ बनता है? धागा तो बाहर से आता है। वही तो बोला कच्चा माल, कच्चा माल धागा को ही कहेंगे ना, ये तो पक्का हो गया। बाहर से आता है, बनता है ये गांव में बनता है। तो ये जैसे ये हैंड लूम से होता है, पूरा हाथ से ही बनता है। ये इसका पल्ला होता है, ये इसका ब्लाउज होता है, इसी के ऊपर जितना काम बढ़ेगा प्राइस बढ़ता जाएगा। हाँ, और ये पूरा जरी वर्क है? पूरा जरी वर्क है। और इसमें सब बनारसी साड़ियाँ ही है? ये सब देखिए रेडियम सिल्क होता है, जैसे पार्टी फंक्शन ओकेशन में सब पार्टी करता है, इसमें जितना लाइट पड़ता है उतना शाइनिंग करता है। कौन सा साड़ी है? रेडियम।
ये इसका पल्ला से कोई साड़ी है। इसका दाम कितना है? ये सब 1050 का है। ये ऊपर एक जो है निकाल, और इसको अगर मार्केट में लेने जाएंगे तो कितने का मिलेगा? 1575 का मिलेगा, जैसा शोरूम वैसा प्राइस होता है। मतलब एसी वाला हो गया तो और ज्यादा, और लोअर हो गया तो हाँ। यहाँ पे सब वही हैंडवर्क वाली साड़ियाँ ही हैं, जिसको बनारसी बोलेंगे या फिर तो यहाँ लोग आकर के देख सकते हैं अगर जिनको लेना हो तो। बस पता होना ही चाहिए। ऐसे तो पार्क में घूमने आए थे, बताए तो हम चले देख लेते। अभी हम लोग साड़ियाँ देख रहे थे कैसे बनती है और कितना प्राइस है इसका होलसेल मार्केट में, और यहाँ पे जहाँ पे बनती है वो भी तो कम प्राइस तो नहीं है। हमें लगा कि 200-400 में मिलेगा, लेकिन 1500 में, 3000-3500 में साड़ियाँ दे रहे हैं। तो कोई घूमने आएगा थोड़ी लेगा, घूमने का बजट इतना रहेगा कि साड़ियाँ खरीदे? बहुत कम लोग होंगे जो लेंगे। तो साड़ी वाला वीडियो मेरा यहीं समाप्त होता है, और चलते हैं अभी आगे, क्योंकि अभी सिर्फ डायरेक्ट अब मंदिर ही जाएंगे, जापानीज और चाइनीज मंदिर। अभी शाम हो रही है, घर भी पहुँचना है, अभी बहुत दूर है। पहले मंदिर देखते हैं और जल्दी जल्दी चलते हैं। तो मिलेंगे अब वहीं पर डायरेक्ट। तब तक के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही, बाय बाय।